अभी तक हम लोग जावा के बारे में, जो उसके मेन मेन कंपोनेंट थे उसके बारे में पढ़े थे। अब मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि ब्लू जावा के प्रोग्राम्स कैसे रन कराते हैं। तो जब भी आपको प्रोग्राम रन कराना होगा, आपके पास कंप्यूटर में ब्लू जावा इंस्टॉल होगा और डेस्कटॉप में मोस्ट प्रोबेबली उसका आइकन बना होगा, या फिर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको ब्लू जावा का आइकन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करोगे और क्लिक करते ही ब्लू जावा आपका रन करना शुरू हो जाएगा। इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब ब्लू जावा जब आप इंस्टॉल करते हो, तो ब्लू जावा इंस्टॉल करने से ही आपके प्रोग्रामिंग का काम पूरा नहीं हो जाएगा जब तक कि बेस में JDK ना लोडेड हो। तो पूरा जावा का सॉफ्टवेयर भी आपका लोडेड होना चाहिए और उसके बाद ब्लू जावा इंस्टॉल करोगे, क्योंकि ब्लू जावा अपने आप में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक इंटरफेस है, IDE है, जो जावा के प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए यूज़ करते हो। तो ये IDE आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा। अब जब भी आपको शुरू करना होगा, तो ये न्यू क्लास है, इस पर आप क्लिक करते हैं। न्यू क्लास पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्लास, अपने क्लास का नाम देने के लिए पूछेगा। सपोज करो हम लोगों ने क्लास का नाम फर्स्ट दे दिया, अब आप ओके पे क्लिक करोगे, ये आपका क्लास बन गया। अब इस पे जब डबल क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और क्लास का डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उसमें कहा गया था कि इट इज़ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि एक रेडीमेड फॉर्मेट। तो एक रेडीमेड फॉर्मेट मिल गया, इसमें जो चीज़ें ये कमेंट की गई हैं उसको आप हटा के, और बीच बीच में जो आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे आप जो चाहो फिल करो और उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन सबसे आसान तरीका इसको सही करने का है कि हम लोग इसको पूरे को हाईलाइट करेंगे, और पूरे को हाईलाइट कराने के लिए Ctrl A करेंगे और उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे। अब ये पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई, और अब हम अपने तरीके से जो भी प्रोग्राम लिखना लिखेंगे। तो फिर से हम लिखेंगे क्लास, और क्लास के बाद नाम वही देंगे जिस नाम से हमने क्लास बनाया है। अगर हम कोई दूसरा नाम देंगे तो जब कंपाइल करेंगे तो उसका भी नाम बदल जाएगा। फिलहाल फर्स्ट, ये एक पूरा एक स्केलेटन है क्लास का। जब भी आप जो प्रोग्राम्स करोगे बिगनिंग में, जब आप प्रोग्राम करोगे तो उसका स्ट्रक्चर यही रहेगा। क्लास कीवर्ड है, और उसके बाद जिस नाम से आपको क्लास बनाना है क्लास का नाम दोगे। ये ओपनिंग ब्रेसेज है आपके क्लास का, और ये क्लोजिंग ब्रेसेज है। इसके अंदर आपको एक मेथड डिफाइन करना होता है, और उस मेथड का नाम मेन रखा गया है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जब जावा में आप प्रोग्राम लिखते हो, कोर जावा में लिखते हो, तो ये कंपलसरी है कि ये मेथड मेन ही होना चाहिए। मतलब कम से कम एक मेथड उसमें ज़रूर होना चाहिए मेन, और उसका सिग्नेचर भी कुछ अलग होता है। लेकिन जब आप ब्लू जावा करते हो तो पहली चीज़ की सिग्नेचर बदल जाता है। जैसे इसमें पब्लिक स्टैटिक आगे नहीं लिखा गया है, हम लिख भी सकते हैं लेकिन जावा में वो कंपलसरी हो जाता है, लिखते हैं। और जो मेथड है मेन की जगह पर हम कोई दूसरा नाम भी देंगे तो भी एक्सेप्टेबल है। फिलहाल अभी हम नेम मेन लिख के ही इसे कर रहे हैं। इसके बाद ये लिखा गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे सिस्टम एक क्लास है, और आप देख रहे होंगे कि सिस्टम का एस कैपिटल रखा गया है। तो एस कैपिटल रखने का क्या मतलब है कि जावा का अपना कन्वेंशन है कि जावा के अंदर जितने भी क्लासेज बने हुए हैं, जिसको जावा ने आपको दिया हुआ है, उनका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, जो आइडेंटिफाई करता है कि ये जावा का क्लास है, ठीक है। तो कोई भी क्लास जो जावा के अंदर बना हुआ है उसको अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा। सिस्टम डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर क्या है, एक मेथड है, और ये प्रिंटिंग के लिए है। प्रिंट भी मेथड होता है, और प्रिंट एलन मेथड का, एलन का मतलब ये हो गया कि जो कुछ भी प्रिंट करोगे उसका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। और आउट यहाँ पे इसका मतलब है कंसोल होता है, कंसोल का मतलब मॉनिटर है कि जो कुछ भी आउटपुट जाएगा वो कहाँ जा रहा है, मॉनिटर पे। प्रिंट एलन मेथड का जो आर्गूमेंट है ये पैरेंथिसिस लगा हुआ है, और उसके बीच में ये डबल कोट्स में मैसेज लिखा हुआ है। तो जो भी मैसेज आप लिखोगे वो स्क्रीन पर एज इट इज फ्लैश होता है। तो ये एक प्रोग्राम हम लोग का बन के तैयार हो गया। आप सपोज करो कि ये फॉन्ट अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम लोग इसको चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। ऑप्शन में जाएंगे, प्रेफरेंस में,
यहाँ पे फॉन्ट साइज दिए 30 की जगह सपोज करो आपने 40 कर दिया, तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो गया था, ये हो गया, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोग्राम विजिबल होगा। अब इसको जब रन कराना होता है तो सबसे पहले आपको कंपाइल कराना होता है। कोर जावा का जब प्रोग्राम आप करते हो तो उसमें कंपाइलेशन का प्रोसेस और रन कराने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, वो आपको जावा डॉस प्रॉम्प्ट पे जाके करना होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये आईडी दिया गया है तो इसमें आपके काम को आसान करने की कोशिश की गई है, तो सब कुछ बहुत आसान तरीके से दिया गया, आपको सिंपली कंपाइल बटन पर क्लिक करना है। नीचे मैसेज आ गया, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर, ये नोटिफाई करता है कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ है। फिर आप क्लोज बटन पर क्लिक कर दोगे, अब ये आपका क्लास तैयार हो गया। अब यहाँ पर राइट माउस का राइट बटन क्लिक करिए, राइट बटन क्लिक करते ये सब कुछ आएंगे, इसमें आपको ये ले लेना है, न्यू फर्स्ट पे क्लिक करना है। फर्स्ट आपका क्लास का नाम है और न्यू कीवर्ड होता है जावा में टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, तो ये फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। फर्स्ट के आगे पैरेंथेसिस लगा है, इट मीन्स यू आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टेंस हम यही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेड कलर से आ गया, फिर इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे और वाइड बैन पे क्लिक करेंगे। वाइड बैन पे क्लिक करने का मतलब क्या हो गया, हो सकता है इस क्लास में आपने एक से ज़्यादा मेथड बनाए रहते तो उन सारे मेथड्स के नाम आते और उसमें जिस मेथड को आपको रन कराना होता आप उसको रन कराते। अभी आपने एक मेथड बनाया है, उस मेथड को कॉल करोगे। माई फर्स्ट बात समझ में आई। अब जैसा मैंने बताया था कि जावा में तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि मेन मेथड होना चाहिए, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। फिर से कंपाइल, जब भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे यू हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम, कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, राइट बटन क्लिक किए, न्यू, अब देखो यहाँ पे वाइट फाउंडेशन आ रहा है, मेन नहीं आ रहा है क्योंकि मेन मेथड है ही नहीं है, आ गया आउटपुट, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, एक और मेथड हमने डाल लिया, इसमें लिख दिया ऑनलाइन, अब दो मेथड बन गए, एक फाउंडेशन और ये। फिर से कंपाइल करिए इसको, कंपाइल हो गया, क्लोज करिए, राइट बटन क्लिक करिए, आ गया, अब दो मेथड के नाम दे। अगर आपने फाउंडेशन पे क्लिक किया तो सेम मैसेज जो पहले क्लिक कर रहा था वो करेगा। अगर आप फिर से यहीं से सीधे आप कर सकते हो, राइट क्लिक करिए, ऑनलाइन पर क्लिक किए तो क्या आ गया, माय फर्स्ट फाउंडेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि क्लास में आपने एक से ज़्यादा मेथड अगर बना दिए हैं, दो मेथड बना दिए हैं, तो दोनों मेथड के नाम आएंगे रन कराते समय और आपको बताना होगा कि आप किस मेथड को रन कराना चाहते हैं। कोर जावा में ये चीज़ नहीं होती है। कोर जावा में क्या होगा, जब भी आपको कॉल करोगे तो आपको मेन मेथड ही कॉल करना है, दूसरे मेथड उसके थ्रू कॉल होंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जबकि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। अब जैसे मैंने लास्ट टर्म पे जो जावा की कुछ थ्योरीज बताई थी, उस कंसेप्ट बताए थे, और फिर जावा के कुछ जो लाइब्रेरीज यूज करते हैं उनका डेफिनेशन अभी मैंने बताया, और सीधे मैं जावा का एक प्रोग्राम लेके शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी रह जा रही हैं, जैसे वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, और लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, इस कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो उनको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसका केवल रीज़न ये है कि उसको आपने 8th में भी पढ़ा है और बुक्स में भी आप पढ़े होंगे, तो उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको अलग से डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल मैं उसको इस तरह से थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रोग्राम्स में जैसे जैसे जो चीज़ें आती जाएंगी, जो कीवर्ड्स आते जाएंगे, उनको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अब जैसे अभी हमने कहा था कि क्लास कीवर्ड है टू डिफाइन क्लास, इसी तरह वाइड एक कीवर्ड है, ठीक है। सिस्टम क्या है, क्लास है, तो कीवर्ड का मतलब क्या होता है, तो कीवर्ड जो होते हैं जावा के अंदर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं दैट आर रिजर्व वर्ड्स, और रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है, उनका एक स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड मीनिंग होगा, जहाँ पे जिस चीज़ के लिए उन्हें डिफाइन किया गया है आप उसी चीज़ के लिए उसको यूज कर सकते हो, उसके अलावा उसको कहीं यूज और नहीं करोगे,
वो अलाउड नहीं है। तो कीवर्ड का मतलब क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं और इनका एक डिफाइंड मीनिंग है, जिस चीज़ के लिए उसी के लिए यूज करेंगे। तो क्लास यहाँ पे क्या रोल है, टू डिफाइन द क्लास। इसी तरह वर्ड क्या है, जैसे हमने मेन के पहले, इसके फाउंडेशन के पहले वर्ड वर्ड लिखा है ऑनलाइन का, और ऑनलाइन और फाउंडेशन दोनों क्या है, ये दोनों मेथड नेम है। तो जब भी हम कोई मेथड नेम लिखते हैं तो मेथड के पहले उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, और रिटर्न टाइप में हम डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं, इंट, कैर, फ्लोट और डबल चार मेन डेटा टाइप पढ़ते हैं, जिसमें इंट की मेमोरी रिक्वायरमेंट जो होती है 4 बाइट होती है। तो इंट की मेमोरी रिक्वायरमेंट 4 बाइट होने का मतलब क्या हो गया कि एक इंटीजर टाइप वैल्यू जो है मेमोरी में 4 बाइट का जगह कंज्यूम करता है। फ्लोट का भी 4 बाइट होता है, डबल का 8 बाइट होता है, और कैरेक्टर का 2 बाइट होता है। इंट, फ्लोट और डबल ये 3 डेटा टाइप होते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए कंसीडर किए जाते हैं, जबकि कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैर का यूज करते हैं। और कैर चूंकि यहाँ पे 16 बिट या 2 बाइट का होता है, तो उसको हम लोग यूनिकोड भी कहते हैं, यूनिकोड स्कीम को फॉलो करता है। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन होगा तो उसका रिटर्न टाइप अगर इंट लिखा गया है, इट मीन्स फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू इंटीजर। इसका रिटर्न टाइप अगर डबल लिखा गया है तो इसका मतलब फंक्शन गोइंग टू वैल्यू रिटर्न डबल वैल्यू। वर्ड लिखने का मतलब क्या हो गया, इसको एक तरह से नो डेटा टाइप कहते हैं, और किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर वर्ड है, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कीवर्ड वर्ड बिफोर एनी फंक्शन, तो आपको केवल ये बताना है इट मीन द फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू। तो ये 2 कीवर्ड यहाँ पे आए, ये समझ में आ गया। डेटा टाइप क्या होता है, किसी वेरिएबल को जब हम प्रोग्राम में यूज करते हैं तो वी हैव टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ दैट वैल्यू। और डेटा टाइप क्या बताता है, उस वेरिएबल के एट्रीब्यूट को बताता है, मतलब उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है। जैसे अभी हमने बताया कि इंटीजर में केवल इंटीजर नंबर स्टोर होगा, और फ्लोट में रियल नंबर स्टोर होता है, फ्रैक्शन वाले नंबर स्टोर होंगे, डबल में भी फ्रैक्शन वाले नंबर स्टोर होंगे। फिर फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, दोनों का मेमोरी प्रेसीजन का डिफरेंस है। फ्लोट 4 बाइट का मेमोरी कंज्यूम करता है, जबकि डबल 8 बाइट का कंज्यूम करता है। ठीक, तो अभी आगे जैसे जैसे प्रोग्राम्स आते जाएंगे, वो 2-4 प्रोग्राम के अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो जाएगी। ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रोग्राम और हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें, फिर से आप डबल क्लिक किए, यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया आपने सेकंड, ये बन के तैयार हो गया। ये मैंने लिख लिया, ये 2 लाइन लिखने का मतलब ये लाइन कमेंट हो गई, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, क्लास का नाम क्या था, सेकंड। सपोज करो हम लोग सेकंड नहीं रखते हैं, सम रख देते हैं, वहां सेकंड रखा था, अभी देखिएगा क्या होगा। ये हमने प्रोग्राम लिख दिया, जब हमने इनिशियली क्लास बनाया था तो उसका नाम सेकंड रहा था, और यहाँ क्लास का नाम हमने सम रख दिया। कंपाइल करिए इसको, कंपाइल हो गया, क्लोज करिए, सेकंड गायब हो गया और सम बन जाएगा, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो वो कोई इशू नहीं है। अब प्रोग्राम देख लीजिए, इसमें क्या करना था, 2 नंबर का सम निकालना था। तो 2 नंबर का सम निकालने के लिए हमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, जिसमें 2 नंबर्स को अलग अलग हम स्टोर करेंगे। तो हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 7, और दोनों में 2 वैल्यू 8 और 7 स्टोर कर दिया। और डेटा टाइप इसका क्या रखा हुआ है, इंट रखा हुआ है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ आप ये पूछ सकते हो कि आपने डेटा टाइप इंट ही क्यों रखा हुआ है, उसका जवाब मैं ये दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। क्यों, क्योंकि आपसे कहा गया है 2 नंबर का सम निकालो, तो आपको डिसाइड करना है कि
आप इसको इंटीजर रखना चाहते हो, फ्लोट रखना चाहते हो, कि डबल रखना चाहते हो, जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, प्रोग्राम की कोई रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है। आगे मैं अभी कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगा जिसमें आपको प्रोग्राम की रिस्ट्रिक्शन होगी कि डेटा टाइप इसका इंट होगा, फ्लोट होगा या डबल होगा, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ए और बी की दोनों की वैल्यू हमने यहीं पर रख दी है, ये एक नोटिस करने लायक चीज़ है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमने नहीं, इसको डायनमिक इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। जैसे जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट ए करके सेमी कोलन लगा देते हैं, सेमी कोलन को लाइन टर्मिनेटर कहा जाता है, तो हम इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। और जब वेरिएबल कुछ इसमें कोई वैल्यू भी अलाट कर देते हैं तो इसको डायनमिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू अलाट कर दिया है। इस प्रोग्राम की रिस्ट्रिक्शन ये हो जाएगी कि ये जितनी बार रन करोगे हर बार ए और बी का सम क्या बताएगा, 50 नहीं बताएगा, क्योंकि आपने ए और बी की वैल्यू यहाँ पे साइन कर दी है। जावा में वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट कराने का अपना एक प्रोसेस है, वो स्कैनर क्लास और बफर रीडर क्लास के थ्रू करते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका भी उसे हम करते हैं, लेकिन पहला प्रोग्राम है तो हम इसको इस तरह से बता रहे हैं। तो अगर आप इसको रन कराओगे तो क्या होगा, देखो आ गया सम इक्वल टू 15 आ गया, 8 और 7 लिया था, जितनी बार रन करोगे वही 15 आएगा। अब इससे बचने के लिए आप एक तरीका ये कर सकते हो, यहाँ पे कॉमा लगा के भी सेमी कोलन कर दिए, और यहाँ पे कर दो आप और ये हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये लाइन हटा दो और इसको ए और बी ही रहने दो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कंपाइल करो इसको, कंपाइल हो गया, रन करो। अब यहाँ पे इस तरह आ गया, अब आपसे इंट ए की वैल्यू आपने दे दिया 5, इंट बी की वैल्यू आपने दे दिया 8, ओके करोगे आउटपुट क्या आ गया, 13। दूसरी बार रन कराओ, इंट ए की वैल्यू आपने दे दिया 102, इंट बी की दे दिया 135, ये करोगे क्या आ जाएगा रिजल्ट, 237 आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट स्क्रीन नहीं आता है तो इस पर क्लिक करोगे, ये टर्मिनल स्क्रीन है, यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाई दे रहा। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ये इंट एस इक्वल टू ए प्लस बी रखा है हमने, ये हटा दें, हम यहीं पे चाहें तो ए प्लस बी लिखते हैं, ए प्लस बी और जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, अभी तो वैल्यू पे डिसाइड होगा। सपोज करो कंपाइल करो, पहले इसको कंपाइल कर लिया, अब इसको रन कराएं हम लोग, वैल्यू आपने दे दिया 2 और 8, तो कितना आना चाहिए सम, 10 आना चाहिए, लेकिन देखो सम क्या आएगा, 28 आएगा। ठीक है, तो ये आपको फिर थोड़ा सा दिमाग इसका आपका गड़बड़ होगा कि ये क्या हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है पहले समझ लीजिए, फिर इसको कैसे ठीक करते समझ लीजिए। यहाँ पे जो ये लिखा जाता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा, ये हमने बताया था सिस्टम क्लास है इसीलिए एस कैपिटल है। ठीक है, और आउट का मतलब कंसोल है, मॉनिटर पे आउटपुट देगा, प्रिंटलन मेथड है टू प्रिंट द स्ट्रिंग। ये सम ये लिखा गया, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, जावा में स्ट्रिंग डेटा टाइप ने एक क्लास होता है, अभी आगे डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी शुरू के एक दो लेक्चर में मैं इसी तरह से आपको कुछ प्रोग्राम्स रन करा के दिखा भी दूंगा, तो दोनों चीज़ हो जाएंगे, चूँकि ये आसान प्रोग्राम्स है तो इसमें बोर्ड पे ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझ में भी आ जाएगा, और दूसरा ये कैसे रन कर रहा है और इन्वायरमेंट कैसे काम कर रहा है, ये कुछ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया, तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद प्लस, प्लस के बाद ए क्या है, इंटीजर टाइप वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस नॉर्मली हम लोग प्लस किसके बीच में यूज़ करते हैं, दो मैथमेटिकल डेटा टाइप, चाहे दो इंटीजर, चाहे दो फ्लोट, चाहे दो डबल, यहाँ पे प्लस किसके बीच में हो रहा है, एक स्ट्रिंग और दूसरा इंटीजर। तो यहाँ पे प्लस जब हम एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर टाइप वेरिएबल के बीच में प्लस यूज करते हैं तो यहाँ पे अपने आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आता है, और यहाँ पे एक मेथड अपने आप पिक्चर में आता है, टू स्ट्रिंग पिक्चर में आता है, जो क्या करता है, इस इंटीजर टाइप वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और इस स्ट्रिंग के साथ उसको कॉन्केटिनेट कर देता है। तो ए की वैल्यू आपने 2 दिया था और बी की वैल्यू 8 दिया था, तो ये इतना स्ट्रिंग था यहाँ तक, और ये 2 को क्या किया इसने,
इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो एक स्ट्रिंग हुआ सम इज इक्वल टू और दूसरा स्ट्रिंग हुआ टू, दोनों जुड़ गया। तो जब दोनों जुड़ा तो स्ट्रिंग क्या बना, सम इज इक्वल टू टू। अब इसके बाद से फिर ये प्लस है, ये प्लस किसके बीच में लगा, अब यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग हो गया, ये इतना एक स्ट्रिंग हो गया प्लस और एक इंटीजर एट। तो फिर से क्या होगा, टू स्ट्रिंग मेथड पिक्चर में आएगा, इस एट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करेगा, तो टू के आगे एट कॉन्केटिनेट हो जाएगा स्ट्रिंग की तरह, इसीलिए आपको आउटपुट में सम इजकल टू टू एट दिखाई दे रहा था। इसको बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दीजिए। अब जब आप पैरेंथेसिस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, इसके अंदर की जो वैल्यू है वो पहले कैलकुलेट हो जाएंगी, तो कैलकुलेट होकर क्या हो जाएगा, टू प्लस एट टेन हो जाएगा, और वो टेन एक साथ इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट होगा। तो अब ये देखो कैसे काम करेगा, टू और एट ही देते हैं हम, अब आ गया टेन, तब टू एट आ रहा था, अब आ गया टेन आ गया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने जावा की बताई, अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मैं कुछ प्रोग्राम्स और बताऊंगा और इफ स्टेटमेंट तक चीज़ें इससे समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद जब लूप के प्रोग्राम शुरू होंगे तो वो यहाँ पे सीधे समझाने लायक नहीं होगा, उसके लिए बोर्ड का यूज करना ही पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल वर्क ज़्यादा होता है, तब हम लोग बोर्ड का यूज करेंगे और उसके हिसाब से समझाएंगे। लेकिन जब तक ये चीज़ें आपको मैनेज हो जा रही है, मैं इसके थ्रू समझाने कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि साइड बाई साइड जो थ्योरेटिकल वर्क है, जैसे डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आप देखते रहेंगे, और जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट में केवल एक क्वेश्चन डाल दें कि ये चीज़ डिस्कस कर लीजिए, मैं उसको आपको अलग से बता दूंगा, उसमें कहीं भी कोई चीज़ आपकी छूटी नहीं रह जाएगी। ओके, थैंक यू।